6 देखिए, बोल रहा है एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 आर कॉम्पोजिट नंबर। अब देखिए ये वन मार्क का क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है, बच्चे पता नहीं क्यों इसमें कंफ्यूज रहते हैं। वो कह रहा है बताओ ये और ये कॉम्पोजिट नंबर क्यों है। देखिए कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं, मैं आपको थोड़ा सा याद दिला देता हूँ फिर। देखिए कॉम्पोजिट नंबर जो होंगे, ठीक, जो प्राइम नंबर नहीं होते हैं वो कॉम्पोजिट होते हैं। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, देखो बता रहा हूँ। देखिए प्राइम नंबर के केवल दो फैक्टर होते हैं, केवल दो फैक्टर होते हैं, इटसेल्फ एंड वन, इटसेल्फ एंड वन। यानी कि प्राइम नंबर केवल दो नंबर से डिवाइड हो जाता है, खुद से और वन से। जैसे कि एग्जांपल समझिए जरा, सेवन ये वन से डिवाइड होगा और खुद सेवन से। जैसे कि फाइव ये केवल वन से डिवाइड होगा और फाइव से। ये मैंने इंट्रोडक्शन में बता चुका हूँ पहले, है ना। लेकिन कॉम्पोजिट नंबर क्या होगा, इट हैव टू और मोर देन फाइव प्राइम फैक्टर। इट हैज टू और इट हैज टू और मोर देन टू प्राइम फैक्टर्स। अब ये क्या लिख दिया मैंने कि कॉम्पोजिट नंबर वो नंबर होंगे जिसके दो या मोर देन टू, दो या दो से ज्यादा प्राइम फैक्टर्स होंगे। अब बच्चे बोलेंगे कि प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर में भी तो दो फैक्टर होते थे। भाई मैंने फैक्टर की बात नहीं करी, मैंने प्राइम फैक्टर की बात करी। और मैंने बोला था देखो सेवन के दो प्राइम फैक्टर नहीं है, सेवन का एक ही प्राइम फैक्टर है, वो केवल क्या है, सेवन। प्राइम फैक्टर का मतलब समझते हो, प्राइम नंबर। अरे वन थोड़ी ना प्राइम नंबर है, मैंने तो पहले ही मना किया वन प्राइम नंबर नहीं है। तो बच्चे ऐसे पढ़ते हैं कि सेवन और फाइव इसलिए प्राइम है कि वो दो ही नंबर से डिवाइड हो जाता है, या तो खुद से या तो वन से। हाँ ये बात सही है, लेकिन प्राइम नंबर का डेफिनेशन ये है कि एग्जैक्टली टू नंबर से डिविजिबल होगा। किससे, एक तो खुद से एक तो वन से। या दूसरे शब्दों में अगर हम बोलें तो प्राइम नंबर वो नंबर होंगे जिसका एक ही प्राइम फैक्टर होता है और वो खुद होता है, वन थोड़ी ना प्राइम फैक्टर है, ठीक है ना। तो कॉम्पोजिट नंबर वो होंगे जिसके दो या दो से ज़्यादा क्या मिल जाए आपको, प्राइम फैक्टर्स मिल जाए। जैसे कि ज़रा समझिए, जैसे एट, एट एक कॉम्पोजिट नंबर है। 8 का प्राइम फैक्टर निकालिए क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 अब देखिए ये एक कॉम्पोजिट नंबर है, ये एक प्राइम नंबर नहीं है। क्यों, क्योंकि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये 2 एक प्राइम नंबर लेकिन वो तीन बार आ रहा है, ठीक है ना, एक बार नहीं आ रहा है। अगर केवल एक बार आता जैसे 2 में, 2 एक बार आ रहा है तो ये क्या है, प्राइम नंबर है ना। और अच्छी तरीके से आप समझ सकते हो, देखो एक और डेफिनेशन हो सकती है कॉम्पोजिट नंबर की, अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है। जैसे 6 को बता देता हूँ, अभी समझ में आएगा। 6 एक कॉम्पोजिट नंबर है, क्यों, क्योंकि 6 को आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 3। ध्यान से आपने चेक किया क्या, 6 को आपने मोर देन 2 और मोर देन 2 प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख दिया। देखो 2 इंटू 3 के फॉर्म में लिख दिया, दो प्राइम फैक्टर आ रहे हैं, पहला है और ये दूसरा है, सही। या अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप इस तरीके से कर सकते हो कि कॉम्पोजिट नंबर, मैं नोट कर देता हूं, कॉम्पोजिट नंबर हैव फैक्टर अदर देन वन एंड इटसेल्फ। कॉम्पोजिट नंबर हैव फैक्टर्स अदर देन वन एंड इटसेल्फ। मतलब ऐसे भी आप कर सकते हो कि कॉम्पोजिट नंबर वन वो होंगे जिनके फैक्टर वन और खुद के अलावा कुछ और भी होंगे। चेक करो, सिक्स के फैक्टर क्या क्या है, वन है, एक तो सिक्स है, वन और सिक्स के अलावा। फैक्टर का मतलब भाई ऐसे नंबर जो इसको क्या कर दें, डिवाइड। तो वन और सिक्स के अलावा भी तो सिक्स के क्या है, फैक्टर है, टू है और थ्री। तो वन और इटसेल्फ के अलावा होने चाहिए, बल्कि सॉरी प्राइम नंबर में ऐसा नहीं होता है, वन और सेवन के अलावा सेवन का और कोई प्राइम फैक्टर नहीं, ठीक है। तो आइए जरा, ये जो नंबर दिया है ये कॉम्पोजिट नंबर तभी होगा जब इसमें हम क्या दिखा दें कि इसके वन और खुद के अलावा प्राइम फैक्टर। देखो जरा, अब इसको मैं कैसे करूंगा, इसको मैं दो दो तरीके से करूंगा, आप दोनों तरीके से एग्जाम में कर सकते हैं, ठीक है, परेशानी की बात नहीं। बच्चे मेरे से पूछते हैं सर ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, भाई सब तरीके से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसको सॉल्व करो, यहां ब्रैकेट लगाओ। अब देखो दिस इंटू दिस इंटू दिस, तो यहां से यहां तक ये फर्स्ट टर्म है। कुछ भी जब मल्टीप्लाई में होता है उसको पूरा एक टर्म बनाया था, क्यों, क्योंकि भाई इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कोई नंबर ही तो आएगा, एक सिंगल नंबर ही तो आएगा। करके देख लो 7 इंटू 11 इंटू 13 करके देख लो, एक नंबर ही तो आएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट टर्म हो गया और प्लस ये हो गया, प्लस के बाद जो लिखा ये सेकेंड नंबर हो गया। इसमें से 13 कॉमन ले लो, ले लिया, क्या हो जाएगा,
यहाँ बचेगा 7 इंटू 11 प्लस, तो यहाँ 13 बाहर चला गया, यहाँ से भी 13 बाहर चला गया, यहाँ बच गया 1, तो ये हो जाएगा 13 इंटू, अब 7 इंटू 11 क्या होता है 77 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 13 इंटू 77 प्लस 1 78, ठीक है। तो ये जो भी नंबर था उसकी वैल्यू देखिए क्या आने जा रही है, ये मतलब वैल्यू का मतलब है उसका फैक्टर कैसा आने जा रहा है उसको देखिए। अब 78 के फैक्टर निकाल लो, 78 को आप क्या लिख सकते हो, 2 3 जा 6 1, 2 9 जा 18, ठीक है, और 3 1 जा 3 3 जा और 13 1 जा, ठीक, तो 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, ठीक, इसको आप लिख सकते हो 13 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 3। तो ये जो भी नंबर है, ये कोई भी नंबर होगा, इसका कुछ तो वैल्यू होगा, और ये जो भी नंबर है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 13 इंटू 2 इंटू 3। तो ये जो भी नंबर था, आइए जरा मैं आपको दिखा देता हूँ कि नंबर क्या है, आइए सॉल्व ही कर लेते हैं ना। देखिए ये नंबर देखना जरूरी है तभी ये क्वेश्चन समझ में आएगा, वन मार्कर आता है, बच्चे पता नहीं क्यों गलत करके आते हैं इसको। देखिए 7 इंटू 11 इंटू 13, तो ये पोर्शन आ गया कितना 1001 प्लस 13, तो ये नंबर है एक्चुअल में कितना 1014, तो ये है 1014, ओके। तो 1014 को एक्चुअल में इसका जो वैल्यू है सॉल्व करके कितना है 1014 10, कुछ बच्चे मेरे को यही बोलते हैं कि सर क्या मैं इसको पूरा पहले सॉल्व कर लूँ और जो नंबर आ रहा है उसके प्राइम फैक्टर निकाल लूँ, कर लो, कोई नहीं काटेगा यार। अब मैंने क्या किया, मैंने कॉमन अमन लेके कर दिया है और ये जो भी नंबर है वो यही है, तो इसके प्राइम फैक्टर क्या आ रहे हैं, इसके फैक्टर्स क्या आ रहे हैं, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, कॉमन सॉरी कंपोजिट नंबर हैव फैक्टर अदर देन वन एंड इटसेल्फ, चेक करो वन और इटसेल्फ के अलावा, चेक करो ना 1014 के फैक्टर क्या होंगे, एक तो वन होगा, एक तो 1014 होगा, वन और इटसेल्फ, वन और खुद के अलावा भी इसके प्राइम फैक्टर है, कौन कौन है, एक तो उसको 13 डिवाइड कर सकता है, और कौन डिवाइड कर सकता है 2, और कौन डिवाइड कर सकता है 3, इसलिए क्या है ये कॉम्पोजिट नंबर है, और कौन डिवाइड कर सकता है इसको 2 3 जा 6 भी इसको डिवाइड कर सकता है, और कौन कर सकता है 13 का स्क्वायर इंटू 3, तो बहुत सारे ऐसे नंबर पॉसिबल हैं जो इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो इसके फैक्टर 1 और इटसेल्फ के अलावा भी पॉसिबल है, इसलिए क्या है ये कॉम्पोजिट नंबर है, ठीक। इसी तरीके से अब जैसे पिछले क्वेश्चन में आपको मल्टीप्लाई करके शायद कितना आया था 1014 इसको सॉल्व करके ना, तो यार तुम सीधे जाके 1014 के प्राइम फैक्टर भी निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे 2 5 जा 0 और 2 7 जा, ठीक है 2 2 जा 4 2 5 जा 2 नहीं जाएगा ये 2 से 3 1 जा और 2 जाएगा तो 3 6 जा 18 2 3 9 जा, ठीक है फिर 13 से ले जाओ 13 13 जा 169 13 1 जा ऐसे, ठीक। तो इसको आप इसका वैल्यू निकाल के आप इसके प्राइम फैक्टर भी दिखा सकते थे, 2 इंटू 3 इंटू 13 का स्क्वायर, फिर बोल सकते थे कि इसके प्राइम फैक्टर या इसके जो फैक्टर है वो 1 और इटसेल्फ के अलावा भी पॉसिबल है 2 3 13, इसलिए क्या है ये कॉम्पोजिट नंबर है, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है ना, जरूरी नहीं कि जैसे मेरे को अमन लेके किया था वैसे आप कर सकते हो। चलिए अब जो दूसरा क्वेश्चन है ध्यान से चेक करो, ठीक है, इसी में जो है ये वाला क्वेश्चन जो इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है, देखो इसका एक वैल्यू तो होगा, इसका एक वैल्यू तो है, अब ध्यान से चेक करो इसका क्या वैल्यू है, उसको हमें सॉल्व कर लेते हैं। चलिए आप इसको सब मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये पूरा सॉल्व करके कितना आएगा उसको देख लो आप, ये आएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये आ गया कितना 5040, तो ये जो नंबर है वो 5040 है। अब चेक करो जरा ये जो एक्चुअल में यार ये जो पूरा था ये 5040 तो है, तो ये जो नंबर है अब इसके फैक्टर क्या क्या आ गए, इसके तो बहुत सारे, देखो एक तो वन है और एक इटसेल्फ है, यानी कि इन दोनों से डिवाइड होगा, साथ में ये 7 से भी डिवाइड होगा, साथ में ये 6 से भी डिवाइड होगा, साथ में ये 5 से भी होगा, साथ में ये 4 से भी होगा, साथ में ये 3 से भी होगा, तो इस नंबर के हमारे पास यानी कि अरे जो ये है वही तो ये है ना, तो ये जो कुछ भी है इसके कॉमन फैक्टर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ है, इसलिए ये नंबर क्या है कॉम्पोजिट नंबर है, ठीक है ना।